हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। जिसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वर्क का। इसके हम जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा सबसे पहले 53। तो 53 क्वेश्चन पहले आप बहुत ध्यान से क्लियर कीजिएगा, है ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए बी सी थ्री पार्टनर्स दिए गए हैं, और आपको बता दूं ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें क्या चेंज होगा कि जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। पढ़िएगा 53 क्वेश्चन। ए बी सी थ्री पार्टनर्स दिए गए हैं फर्म में, 1 अप्रैल में उनकी फिक्स उनकी कैपिटल दी गई है, फिक्स नहीं उनकी कैपिटल ही दी गई है 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000 रुपीज। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट, सी को सैलरी दी जाती है 10,000 पर मंथ। जो ये सी को सैलरी दी जा रही है 10,000 पर मंथ, तो ये सी के लिए क्या है, इनकम। लिख दो इनकम, ठीक है जी। पार्टनर्स को आईओसी दिया जाता है कितने परसेंट, 5%। लिख दीजिए इनकम, ठीक। तो दोनों पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। आगे चलिए, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशो ऑफ कैपिटल। ऊपर कैपिटल देखो 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000 है। यदि आप इसको रेशो बनाओगे तो 2:1 आ जाएगा। लिख लो अपनी बुक पे रेशो क्या जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। आगे चले, प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 2016 में 3,30,000 रुपीज, वाज डिवाइडेड इक्वली, जो कि इक्वली डिवाइड कर लिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। अंडरलाइन कर लीजिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। तो ये जो 3,30,000 रुपीज का प्रॉफिट है यो इक्वली बांट लिया गया। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो पहले दो पॉइंट भूल गए थे ना रिकॉर्ड करना, क्या क्या भूल गए थे, सी की सैलरी और आईओसी, इन चीजों को रिकॉर्ड करे बिना वो प्रॉफिट बांट लिया गया पार्टनर्स के बीच में। सही बट रहा है, गलत बांटा हुआ है, गलत बांटा हुआ है। तो ये जो गलत बटा हुआ प्रॉफिट है ये इक्वली डिवाइड कर लिया पार्टनर्स ने, कैसे डिवाइड कर लिया, इक्वली डिवाइड कर लिया। तो आपको इसकी रेक्टिफाइंग सही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। शुरू करूं क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है ये 53, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा 53 और यहां पर लिखा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं यहां पर, टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या दो चीज रिकॉर्ड करने बिना भूल गए वो, सैलरी और आईओसी। कौन कौन पार्टनर है, पर्टिकुलर ए बी सी और लास्ट में टोटल, ठीक है भाई। ये मैंने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया, पर्टिकुलर ए बी सी एंड लास्ट इज टोटल। चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले वो क्या बोले, सबसे पहले आ जाओ सर, आप अपना वर्क करते रहो, मैं धीरे से पढ़ाते हैं। सर वॉइस लिखी रख लो, वीडियो बनती है, धीरे धीरे बोल रहे हो जी। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर सी को सैलरी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, सैलरी। और एक बात फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले किसको सोचकर चलेंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए पार्टनर को सैलरी दी जा रही क्या है, इनकम। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा क्रेडिट इनकम। किसकी सैलरी की बात कर रहे हैं, सी की। सी की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 की किस पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 में, क्योंकि सैलरी हम कैसे लेकर चलेंगे, ईयरली। तो 10,000 की 12 में मल्टीप्लाई कर ली, 1,20,000 रुपीज आ गए। और यहाँ पर टोटल में भी मैंने 1,20,000 रुपीज फिल कर लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, अपनी कंसंट्रेशन दोबारा से थोड़ी सी बनाइएगा। पहले पॉइंट में ये कहा गया कि सी को सैलरी दी जाती है, भाई जब सी को सैलरी दी जा रही है तो पार्टनर के लिए इनकम हो गई, तो हमने सैलरी लिख ली और पार्टनर के लिए इनकम है तो ब्रैकेट में क्रेडिट लिख लिया। 10,000 पर मंथ है तो 10,000 की किस में मल्टीप्लाई कर ली, 12 में, तो 1,20,000 आ गई।
टोटल में भी 1,20,000 मैंने फिल कर लिया, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, आईओसी, आईओसी दी जाती है, रावरियान आईओसी पार्टनर के लिए इनकम एक्सपेंसिव है, इनकम है, ठीक है, तो आईओसी पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। तो यहां पर मैंने लिखा आईओसी, ये पार्टनर के लिए इनकम है, तो मैंने क्रेडिट लिख लिया, समझ गए, बहुत ध्यान से समझना, दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक। नेम से सजेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल देखिएगा, ए की कैपिटल 5 लाख है, मिल गए सबको, इस 5 लाख का 5%, जब 5 लाख का 5% निकालोगे तो 25,000 क्या रहेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। बी की कैपिटल 2,50,000, 2,50,000 का जब 5% निकालोगे तो 12,500 आ जाएंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। और भाई सी की भी कैपिटल 2,50,000 है, जब 250 का 5% निकालोगे तो ये 12,500 रुपीज आ जाएंगे, और इनका टोटल कर लीजिए 50,000 आ गए, कितने आ गए 50,000। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पार्टनर के लिए क्या है, तो मैंने यहां क्रेडिट कर दिया, टोटल लगा दिया, यहां पर 25,000, यहां पर 12,500, यहां पर 1,32,500, इतनी बात क्लियर हो गई, और यहां पर 1,70,000, किसी को कोई दिक्कत? जो प्रीवियस मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था वहां पर आईओडीबी था, वो एक्सपेंसेस था, वो माइनस कर दिया था, लेकिन यहां कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बस यही इनकम है, ठीक है जी। तो ये पार्टनर के लिए इनकम है, हम पहले पार्टनर को सोचकर चल रहे हैं, पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस, जाकर बुक में देखो कि कितना प्रॉफिट दिया गया है 330, तो मैं अब देख लेता हूं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, समझ रहे हो, ऐसे ही किया था ना उसमें भी, यहां पर मैंने लिखा रिमेनिंग प्रॉफिट, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आएगा देखिएगा, बुक में प्रॉफिट दिया गया है 3,30,000, में से मैंने माइनस कर दिया कितना 1,70,000। एक बात फिर कहूं, यहां पर ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस, इस कारण से आपने जो प्रॉफिट था 3,30,000 का उसमें से ये लॉस माइनस कर दिया, तो अब जब लॉस माइनस कर लिया तो यहां पर ये बचा 1,60,000, क्या बचा है प्रॉफिट बचा, ओके बचा ना प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब ये जो 1,60,000 का प्रॉफिट बचा इसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, क्लियर है, तो 160 को जब 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000, 40,000 और 40,000 रुपीज, और टोटल आ गया 1,60,000। मुझे उम्मीद है कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं किया था मैंने, जिसको नहीं क्लियर हो अब भी उसके पास चांस है, दोबारे से पूछ लो, मैं दोबारे से समझा दूंगा, जल्दी बता दो किसके समझ में नहीं आया, ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं किया, सबसे पहले दोनों इनकम लिख ली पार्टनर की, उनका टोटल कर लिया, तो ये पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए जो प्रॉफिट दे रखा 330, रिमेनिंग प्रॉफिट देख लो, इस प्रॉफिट में से ये क्या माइनस कर दो 170 जो लॉस है, तो ये प्रॉफिट बच गया 160 का, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट ले लिया, ठीक समझ गए, ये भी पार्टनर के लिए इनकम और ये भी इनकम, दोनों का क्या कर दू टोटल, तो पार्टनर की टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी, तो मैंने यहां पर लिखा क्रेडिट क्योंकि पार्टनर की इनकम आएगी 25,000 और 80,000, 1,05,000, 12,500 और 52,500 और ये हमारा आ गया 1,72,500 और इनका टोटल करो तो 3,30,000 आ गया पूरा प्रॉफिट 330, कोई दिक्कत बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, पिछले क्वेश्चन की तरह गलत से। अब लास्ट में एक चीज बताई थी कि जो वो प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, सही बटा हुआ था गलत बटा हुआ था, गलत, तो उसे लिख लेते हैं।
माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैंने कहा था कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट है तो इसे क्या कर दो, डेबिट डिस्ट्रीब्यूट, इसे क्या कर दो डेबिट। समझ गए? और क्या चेंज है, सुन लो बात, चेंज ये है, ये तो दो एक एक में बटा, ठीक, जो प्रॉफिट गलत बटा हुआ है उसे लास्ट वाली लाइन में दे रखा कि कैसे बांट लिया वो, देख लो लाइन कह रही हो तो इक्वली बांट लिया, तो यहाँ पे इक्वली बटेगा, ये चेंज हुआ उस क्वेश्चन में, क्लियर? कैसे बांट दू उसे, तो 3,30,000 है उसे इक्वली बांट दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,10,000, क्लियर है बेटा? समझ रहे कौन सा क्वेश्चन करवाना है, ठीक, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और टोटल हमारा कितना आ गया 3,30,000। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात, समझ गए? अब कंपेयर करना कि डेबिट बचाया क्रेडिट, 1,05,000 क्रेडिट है और 1,10,000 डेबिट, तो भाई डेबिट के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 5,000, समझ गए? यहाँ पर 52,500 क्रेडिट है और 1,10,000 डेबिट, किसके ज्यादा लग रहे, डेबिट के, डेबिट के ज्यादा लग रहे, इनका डिफरेंस 57,500 डेबिट, और यहाँ पर 1,72,500 क्रेडिट है और 1,10,000 डेबिट, किसके ज्यादा लग रहे, क्रेडिट के, क्रेडिट के बचे 62,500 क्रेडिट के, और 333 डैश एंट्री खुद बना लो कॉपी पे, जब एंट्री बनाएंगे उम्मीद है समझ गए होंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है, जिसको नहीं है पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाते हुए ये चेक करो कि क्वेश्चन में कैपिटल कैसी बताई हुई है, कैसी बताई हुई है, कुछ नहीं कहा हुआ है, कुछ नहीं कहा हुआ तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मान के क्या कर दो कैपिटल लगा दो, तो क्या एंट्री बनेगी यहां पर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ये एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, क्लियर है भाई बात, समझ गए? कोई दिक्कत? इसके बाद अब आप जिस क्वेश्चन पर फोकस करें वो क्वेश्चन नंबर होगा जी 55 पर, आ जाए पहले आगे 55 पर, ठीक, एक बात कहूंगा मैं इसे करने से पहले, दोबारा से अपने क्वेश्चन पर आ जाए 47, मैं बताता चलता हूं, 47 खुद अटेम्प्ट करना हो जाएगा, 48 मैंने करवा दिया, 49 खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है जी, 50 का ये मैंने करवा दिया, 50 भी खुद अटेम्प्ट करना, 51 मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है जी, 52 जैसा मैंने अभी 53 करवाया है ना, बिल्कुल सेम 52, यानी निशान लगा लो भाई करने के लिए, 52 खुद करेंगे, ठीक है जी, 54 अभी देखेगा, सबसे पहले 55 पर आ जाइए, स्टार्ट करो 55, पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है जी, कितना इन्होंने कहा कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,50,000 रुपीज, किस रेशो में, 2:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को प्रोवाइड किए बिना, इन एडजस्टमेंट को प्रोवाइड किए बिना, आज कहां से गलती लगा दी उन्होंने बेल, ये बेल किसने बंद कर दी, आगे अभी कहां टाइम हुआ, तो 15 मिनट भी लेसन चलते हुए तो 20 मिनट जा देते हैं, चलो जो भी है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ आप अंदर आ जाओ, आप अपना पढ़ते रहिए, ठीक है ना, अभी मेरे वीडियो बनी हुई है 15 मिनट से, 10 मिनट बची हैं, 10 मिनट पढ़ाई कीजिए आपसे, तो इन्होंने कहा कि जो पार्टनर्स है फर्म में वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 31 मार्च 2016 में 1,50,000 रुपीज में, 2:2:1 में जी,
ये प्रॉफिट आगे लाइन पढ़ लो, विदाउट प्रोवाइडिंग, इन बातों को ध्यान दिए बिना, करने पर फोकस ना करो, मैं अभी कह रहा समझने पर फोकस करो, करके क्या करोगे, नहीं तो मैंने कह रहा मैं ठीक है, करके क्या करोगे, पहले समझ लो लैंग्वेज, फिर कहोगे समझ में नहीं आई, ठीक है, सब कॉपी बंद कर दे अपनी, हाँ ठीक है, सब अपनी कॉपी बंद कर दे, बंद कर दे, बाद में कीजिए रिश्वत को, समझिए सबसे पहले क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि पार्टनर्स जो है वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,50,000 किस रेशो में, 2:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग, इन बातों को ध्यान दिए बिना, ये बताओ प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट है गलत, गलत प्रॉफिट है, और ध्यान से सुनना जिस वजह से मैं कह रहा हूं, जो ये गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2:2:1 जी, इधर आ जाएं, गलत प्रॉफिट सबसे लास्ट में लेकर चलते हैं, तो ये जो लास्ट वाला प्रॉफिट है ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2, ठीक। अब आगे चलो, पहला पॉइंट, ए और बी को सैलरी दी जाती है 1,500 पर, सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है, ठीक। आगे चलो, सी को कमीशन दिया जाता है 18,000, पार्टनर के लिए इनकम है, समझ गए, ए और सी मिलके गारंटी दे रहे बी को कि भाई आपका प्रॉफिट कितना होगा 50,000, ए और सी ने यूं कह दिया कि चाहे कुछ भी हो हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे 50,000, तो ये बी के लिए क्या है, इनकम, समझ गए, तो तीन इनकम दे रखी। आगे चलो, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:3:2, तो जो गलत प्रॉफिट है वो तो ऊपर वाला 2:1, और बाकी जिसने जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में, 3:3:2, आपको जर्नल एंट्री करनी है, करूं शुरू क्वेश्चन भाई, ठीक। तो यहां पर मैंने लिखा कि विल शोइंग एडजस्टमेंट, एक चीज कहूंगा यहां क्वेश्चन में आपके लिए समझा रहा, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं समझा रहा, तो अब जो पॉइंट है उन्हें ध्यान से समझो, कॉपी पर अगर करोगे ना, सुनो आपके नुकसान हो रहा, मेरा भी कुछ है, और मैं आपके लिए कर रहा नहीं, मैं यू भी कह सकता था होमवर्क कर लियो भाई, ठीक है, यू भी तो कह सकूं मैं, लेकिन आप लोगों के लिए समझा रहा, तो ध्यान से सुनो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, फॉर्मेट बनाया हमने, ठीक है भाई, कौन कितने पार्टनर है, तीन, पर्टिकुलर कौन कौन है पार्टनर, ए सी डी, ए बी सी, अच्छा ए बी सी और टोटल, ठीक है भाई, तो हमने यहां पर लिखा पर्टिकुलर ए बी सी एंड टोटल, स्टार्ट करूं, यहां पर पार्टनर के लिए तीन इनकम है भाई, सबसे पहली सैलरी, क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है तो ब्रैकेट में क्या लिख दूं, क्रेडिट, समझ गए भाई, ठीक। ए और बी को दोनों को मिल रही 1500 पर क्वार्टर सैलरी, ईयरली निकल लेंगे, ईयरली निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई 4 की, तो 6000, और किसकी दे रखी दूसरी सैलरी, बी की 6000, सी में लगा दिया डैश, टोटल आ गया यहां पर 12,000 रुपीज, कोई दिक्कत, क्लियर। दूसरी चीज, सी को क्या दिया जा रहा, जब सी को कमीशन मिला तो सी के लिए इनकम है, तो हमने लिखा यहां पर कमीशन, ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट, किसको दिया गया, सी को, कितना 18,000, और जाके यहां पे मैंने लिख दिया 18,000 रुपीज, ओके। बी को गारंटी दे रहे ए और सी कि आपको चाहे कुछ भी हो हम कितना प्रॉफिट देंगे, तो बी के लिए इनकम है, लिख दिया हमने बी प्रॉफिट, क्या लिख दिया हमने, ये बी के लिए इनकम है, कितना कह रहे 50, तो बी में जाके हमने 50,000 लिख दिया, ओके, यहां पर भी हमने 50,000 लिख दिया, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है भाई, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब जब बी को प्रॉफिट दे दिया किसने, ए और सी ने, तो जो बाकी बचा प्रॉफिट है वो किसका है,
ए और सी का, जो बाकी बचा प्रॉफिट है वो किसका होगा? ए और सी का, समझ गए? क्योंकि बी को तो कह दिया कि आपको तो कितना प्रॉफिट देंगे, 50। जो बाकी बचा प्रॉफिट है वो किसका होगा? ए और सी का। तो मैंने लिखा है यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन पे चेंज हो गई इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। रिमेनिंग प्रॉफिट, बुक में जाकर देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 150 है, 150 ठीक। ये पार्टनर के लिए इनकम है तीनों, जब ये तीनों पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए लॉस 12, 18, 30, 50, 30, 80 80,000 पार्टनर के लिए इनकम, तो बिजनेस के लिए लॉस, तो इसमें से माइनस कर दिया मैंने 80,000, ये बचा 70,000, ये प्रॉफिट बचा, बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन ये 70,000 जो प्रॉफिट है ये ए और सी का है, बी का नहीं है, क्योंकि बी को तो मिल गया कितना मिल गया 50,000, ये ए और सी का है। अगली लाइन में जाके देखो चौथा पॉइंट, रेशो दे रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2, यहां से ए सी का निकाल लो रेशो 3:2, मिल गया रेशो 3:3:2, यहां से बी का हटा दो बीच में से 3:2, तो ए सी का क्या रेशो बचा 3:2, तो यहां पे मैंने लिख लिया ए सी इनका रेशो है 3:2, इसे हम 70,000 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ठीक है जी। तो 42,000 ए का प्रॉफिट आ गया 42,000 और सी का प्रॉफिट आ गया 28,000, टोटल हो गया 70,000 रुपीज। बस हो गया क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं बचा, पहले मुझे बताओ यहाँ से क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया भाई आपके? ठीक, अब हमने क्या करा, अब हमने इस पर टोटल लगाएंगे, ठीक है। ये पार्टनर्स के लिए इनकम है सारी की सारी, तो क्रेडिट लिख दिया 48, उसके बाद 56, उसके बाद 46, 50,000 रुपए एक बार, और टोटल हो गया 1,50,000, समझ गए? 1,50,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए क्या भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे सुनिएगा, बस ये पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, वो प्रॉफिट पार्टनर्स ने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना था वो 150। भाई ऐसा ना करो प्लीज, हाँ तो रात से करो, हो गया भाई कितना हुआ यहाँ पे 150, कोई दिक्कत हो तो बता दू यहाँ तक। अब बता रखा उसमें कि 1,50,000 रुपीज दूसरी लाइन में करेगा, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, और मैंने बता दिया था किस रेशो में, ठीक। तो हमने लिखा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव, और गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा तो क्या कर लू डेबिट। 150 को किस रेशो में, 2:1, ठीक। 60,000 और 30,000, टोटल आ गया 1,50,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस ये चेक कर लो कि डेबिट बचा और क्रेडिट, यहाँ पे 60,000 डेबिट के हैं तो 12,000 रुपीज डेबिट के बच गए, यहाँ पे 4,000 रुपीज डेबिट के बच गए, और यहाँ पे 16,000 रुपीज क्रेडिट के बच गए, और यहाँ पे डैश। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया, और अब हम इसकी क्या एंड, इसके हम क्या बना लेंगे, इसकी एंट्री बनाओ, कॉपी खोल के इसकी एंट्री। ये समझ में आ गया, थोड़ा सा चेंज है ना वहां से, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। इसकी एंट्री जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में जाकर देखो कि पार्टनर की कैपिटल कैसे क्या रखती, कुछ नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मान के क्या एंट्री बनेगी यहां से, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, इसकी एंट्री बना लीजिए, है ना जी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल ए टू सी कैपिटल, ठीक है ना जी। ए में कितनी अमाउंट फील कीजिएगा, ए में तो आप 12,000 फील कर लीजिएगा, बी में कितनी अमाउंट फील करेंगे, बी में 4,000 रुपीज फील कर लीजिएगा, और सी में आप 16,000 रुपीज फील करेंगे, क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सिरे से समझ में आया, ठीक है जी। तो बस आज हम यहीं तक अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने दो क्वेश्चन किए, कौन कौन से, 53 और क्वेश्चन नंबर 55।
ये दो क्वेश्चन हमने सोल्व किए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो इन दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।